कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। सिमो, तू ठीक है ना? थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Thank you.
भाभी पहनाएगी। एक्सक्यूज मी, अनुज मैला पहनाएगा, वो लड़का है। नमस्ते जी। राजेंद्र सेठी साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी। गुरु जी जरा एक मिनट इधर आइएगा। राजेंद्र जी, वेन्यू तो बहुत अच्छा चुने आप लोगों ने, पर लड़की वाले होने के नाते ये जिम्मेदारी तो हमारी बनती थी। क्यों शर्मिंदा करते हैं करने जैसा, ये सब कुछ लगभग आप ही ने तो किया है। अगर आम तरीके से शादी होती तो रिसेप्शन तो हमारी तरफ से ही होता ना, मगर क्योंकि घर में इतना कुछ हुआ है तो अब शादी की वेन्यू की बुकिंग इतना तो हमारी तरफ से बनता ही है तनेजा सर। बस सेठी जी, आज से आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी समझिए। तनेजा साहब क्यों चिंता करते हैं, अभी मैं अपने बेटे और आपकी बेटी का ख्याल रख सकता हूं। अनीता को एक बार हमारे घर तो आ जाने दीजिए। मैंने सुना है सिटी साहब करोल बाग एसोसिएशन वालों ने आपकी दुकान बंद करवा दी। देखिए सिटी साहब, अब हम समझी हैं, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। अगर आप बुरा ना मनाए तो मेरे पास एक सुझाव है। कहिए। देखिए सिटी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पास बहुत दुकानें हैं और मेन दुकान जो है वो कनॉट प्लेस में है। मैं चाहता हूं आप उसको टेक ओवर कर लीजिए, उसको मैनेज कीजिए, चलाइए उसको, मुझे बहुत खुशी होगी। घर की बात है। देखिए तनेजा साहब, घर की बात है तो घर पर ही करेंगे। सुरेंद्र जी, वो खाने वालों को कह दिया था कि वो सारा इंतजाम देख लिया था तुमने? जी भाई। और उसके बारे में जरा एक और भी देख। मुझे तुमसे बात करनी है, आज और भी। मेरा मतलब है शादी खत्म होने से पहले। सिमी, मैंने तुझे माता रानी की चुन्नी दी थी ना, अनुज के कंधे पे डाल दे। गजानन भूतगणादि सेवितं कपित जंबू फलचार वग्रम उमा सुतंग शोक विनाशकार गंग नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान कसत सत सुभद्र काम कंपील वासिनी आगतम भगवान छात्र स्थिर वो जावत पूजन करि श्यामि तव। सिमी सिमी सिमी, सिंदूर कहाँ है, कहाँ खोई हुई है? तुझे ही दिया था ना मैंने सारा सामान रखने को। मिली Thank you.
जुहवा मनवा सूर चक्षसो सूर्यो अजायात ओम नमो नमः नमः शनंताय नमो नमः ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय सामवेदाय अर्थवेदाय नमो नमः सत्सिलखा पुरखा शास्त्रार्थ शास्त्रपात क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं। सिम्मो के बारे में सोच रहे हो ना जी? मैं तो कहती हूँ अपने सिम्मो को जरूर कोई मिल गया है। देखो तो कैसे अपने ख्यालों में घूम है जी। लेकिन डॉली, अगर उसे कोई मिला होता तो वो मुझे बताती तो जरूर ना, कहेगी ना मुझसे? ले, एकदम से कई बार नहीं बता पाती, शर्मा भी सकती है, हो सकता है झिझक रही हो। इधर आओ ना मिसेस तनेजा। अच्छा आप बताओ, हमारी सिम्मो में आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? खुश लग रही है। देखा, क्यों क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है हमारी सिम्मो ने किसी को ढूंढ लिया है अपने लिए। ओए सुन, टाइम क्या हुआ है? 6 घंटे हो गए। हाँ चली, मैं तुझसे टाइम पूछ रही हूँ, तो खुद देख लेना। फोन भी नहीं कर सकता था, पूरा दिन बीत गया है। एक बार हालचाल पूछने के लिए तो फोन कर ही सकता था ना। विक्की, अरसमी, मैंने सुना है तुम भी बहुत जल्दी डॉली बता रही थी। गुड, वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट कि जब लड़कों को आजादी है अपना साथी चुनने की, तो लड़कियों को क्यों नहीं? चली उल्लू की, तुम ऐसा ही होना चाहिए था तेरे साथ। अब करती है उसके फोन का इंतजार, कैसे करेगा वो तुझे फोन? तूने उसे अपना नंबर दिया, उसका नंबर लिया। ओए, किससे बात कर रही है तू? अपने आप से? ओ उधर तेरे भाई की शादी हो रही है और तू? चाची, फोन पे बात कर रही हूँ दोस्त से। वो कल और परसों 9:30 बजे ZTV पर वेस्ट बंगाल और पंजाबी सिंगर्स के बीच में मेगा चैलेंज जाना है ना, बस वो ही बता रही थी। कि प्लीज किसी भी तरह मुझे फोन कर, अगर नहीं किया ना तो। नीतू, ओ चली, टाइम आ गया, टाइम आ गया, अपने प्लान का टाइम आ गया। नीतू, कैसा प्लान? आपकी शादी कराने का। क्या, किससे? ओफ होती, किससे क्या मतलब? वैसे जिससे भी कराएंगे आपको बताकर ही कराएंगे, बताने को तो
आप भी बता सकते हो, कोई है क्या यहाँ? मिली, मजाक मत कर। अरे दी, हम तो भाभी के सैंडल्स चुराने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं तू? और नहीं तो क्या, समाना बदल गया है भाई। चल 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 ना। हे 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 ला 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 मंदिर के पीछे आ जाना। सिमी होगी तुम, इतनी शांत, इतनी चुप सिमी ही हो सकती है। तुम्हारे बारे में अभी से सुन चुका हूं मैं सिमी। इन वैदिक विवाह रीतियों में अग्नि के फेरे मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। इन सात फेरों में पति और पत्नी दोनों के समान दायित्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। यानी एक का दायित्व दूसरे का हक हुआ, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। जीवन में हम या तो दायित्व निभाए चले जाते हैं या फिर हक जताए चले जाते हैं, जबकि सिमी बैलेंस पाने के लिए ये दोनों ही कर्म करने पड़ते हैं। सिमी, अपना दायित्व निभाओ, लेकिन जो हक है उसे भी पाकर रहो। गुरुजी, मैं अनुज की माँ। यानी सिम्मी की माँ। अब इन आंखों में ये सवाल कैसा? आपके सारे सवालों के जवाब आज ही आपको मिल जाएंगे। और मेरी परेशानियों के जवाब?
परेशानी तभी होती है जब सवालों के जवाब नहीं मिलते। मैंने आपसे कहा ना, आज ही आपको के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।